हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आपका एक बार फिर से। सुबह के 8:30 बज गए और आरुषि आरुषि को आज ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया, इसे मोबाइल देख तो ही चक्कर आवेंगे, मतलब दूर भागेगी, उल्टियाँ भी लग सके हैं। ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया इसके कि मोबाइल देख तो इसका मोहरा फिर जाएगा, ये देखने की नहीं दोबारा मोबाइल की तरफ को। घिन आवेगी घिन इसे मोबाइल देखते ही। तो ये इजाद कराया हमने ही ऐसा इंजेक्शन है आरुषि। सच में ही मान गए तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मजाक था केवल। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लिया करो थोड़ा थोड़ा सा। और अभी चारा लाने का टाइम हो गया, अभी लाते हैं अपनी गाय भैंसों के लिए घास। और अरविंद भी आ गया था आज, ये चला गया मेरे साथ। माँ रेस्ट पे है आज, ये देखो। और आज हम दोनों ही लाएंगे, रेड़ा तैयार है हमारा, चारे का रथ उसे लेकर चलेंगे अभी। वैसे आज लेट हैं थोड़े से, पर क्या कर सकते हैं, चारा तो लाना ही होगा। पहुंच गए जी यहाँ से और रेड़ा लगा दिया है स्टैंड पे अपने। अरविंद इसे चला के लाया पैरों से, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया वो, और बिना दस्तानों के लग गया चेरी काटने। अभी सब बताना पड़ेगा भाई, दस्ताने पहनना नहीं तो हाथ मुको निकल जाएगा फटा। देख के काटिए इसे, पहले ही मोड़ के रख लिए, फिर आसान रहे उसमें रखने में, नीचे नहीं लटकती रेड़े में, नहीं तो गंदी हो जाए। बारिश हो रही है ना, अच्छा गारे को चेला, रास्ते में चेला हो रहा। तो ये देखो कितनी गिरी पड़ी है ये हवा में, और ये काट के और सुलझानी भी पड़ती है साथ साथ में ही, तब जाके बात बनती है, तब जाके इनकी गठड़ी बंद है। और ये दस्तने हैं, पौधा अगर इसका उल्टा गिरा रहा है इस तरह, और इसे पकड़ के ऐसे खींचने लगे तो वो हथेली से चीर रहे। ये पहन लेते हैं ये, नहीं मैं बचा के करूंगा आराम आराम से, मुझे पता। उसमें दूसरे रखे हुए पहन लो मैं, नहीं नहीं मुझे इसकी तरकीब पता है, कर लूंगा आराम से। चल तो ठीक है, पहले इसके नीचे वो रख लेता 3-4 पिड्डे वैसे। तो जी ये कटाई शुरू कर दी यहाँ पे, और पानी वाणी की व्यवस्था, पानी लेके आना पड़ता है क्योंकि पसीने बहुत निकले हैं तो प्यास तो लगेगी, और बीच बीच में ब्रेक भी लेना पड़ा है क्योंकि ये बैठ के निकटती गिरी पड़ी है और उलझी हुई है, तो ये ऐसे ही झुक के काटनी पड़ती है और खड़े खड़े, क्योंकि इसे सुलझाना भी पड़ता है। और ये हवा और बारिश में गिर गई है और नीचे से खराब भी हो गया, नीचे वाले जो पत्तियां ना है इनकी वो भी निकालनी पड़ती है, उसे खाते नहीं पशु। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी देर लगेगी। और अगर धूप निकली तो गर्मी बहुत ज्यादा लगने वाली है, और बादल भी हैं, बादल और हवा चलती रही तो काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जी चलो मैं भी लग जाता हूँ अब। और देखो अकेला ही धकेले ले जा रहा, मैंने कह रहा मगर भाई दंती ठाला हूँ मैं पीछे से धकेल दूंगा, अरे भाई रुक जा मैं धकेल दूंगा पीछे से जोर पड़ जाएगा। आ गई चारा गाड़ी घर, और ये दस्तने पहरे नहीं ग्लव, दो जगह तक कटवा लिया हाथ, देख लो पट्टी बांध रखी। तलवार पे भी तेज काम करे ब्लेड के जैसे, पहले ही कह रहा था मैं मगर भाई कट जाएगा आराम से काट लूंगा संभल गए, ये कह लगा मेरे पे तो आवे काटनी, वे पहरे नहीं मगर ये दूसरे पहन लेता। चेरी काटना युद्ध है, एक नहीं पता किधर से कौन सा हथियार लगता। नंदिनी का चप्पल और जूतों का कलेक्शन, कौन सा पहनने का भाई? नंदिनी हाँ। कौन सा पहनने के? ये मेरे, ये तो आरुषि के हैं, ये तो आरुषि ने पहन लिए। नंदिनी तो अपने चांदी पहनेगी वे, अपने वाले उसको समझ नहीं आ रहा क्या पहनने और क्या छोड़ दें, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी, ट्राई करेगी पहनने की। नहीं समझ में आया कुछ? और ये क्या करने लगे भाई, ऐसे तो नहीं हुआ था कुछ भी तय है? हाँ ये टूट गया, टेबल टूट गया तो खराब हो रहा भाई। कौन सी चप्पल भाई, अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन बना लिया क्या? बस हट जाओ, बहुत हो गया खेल चप्पल जूतों का आज के लिए। हैं साफ कर रही है, ये दूसरे सैंडल हैं आरुषि के, अब वो ट्राई करेगी ये वाले फैशन वाले। ये क्या बोल वाले, देखो इस पे वन टू लिखा ना, ये वन टू वाले हैं देखो। हाँ वन टू वाले वेले हैं क्या हैं ये? वन टू, अच्छा वन टू वाले हैं, फैशन का है ये जलवा, हट जाओ उसे दे दो अब। अब भैया बहुत हो चुकी,
अब ये हम पहनेंगे हम। चलो अच्छे लग रहे हैं और उल्टे पहन लिए। अब आप बड़े हो गए हो, सीधे पहनो इन्हें, सीधे पहनने सीख लो, नहीं तो वो भी उल्टे ही पहनना करेगी। और देखो ये ले लो, ये पहन लो, अपने आप खुद कुछ नहीं पहन रही और आर उसी को दे रही है। ये इसका होता है। हाँ हेलो जी, राम राम जी। इसका भी ध्यान पड़ा है कैमरे के ऊपर। ये इसके होते हैं ऐसे। हाँ तो जी ये देख लो इसका कलेक्शन चप्पल सैंडल का, अभी जांच पड़ताल कर रही है, ये साइज देख रही है आ जाएगा या नहीं। और ये देखो पैर अपने आप से खुद से उठा के डालती है इसमें। हाँ शाबाश, ऐसे ही तो पहनने जाएंगे। हाँ और आप ना सीधे चप्पल पहनो, तभी तो नंदिनी भी सीखेगी सीधे वाले पहनना। हाँ हाँ ये पहन लो। और ये बच्चे कल से तो मस्ती कर रहे थे और जैसे ही संडे बीतने वाला है ना, तो इनके काम याद आ गया। किसी का होमवर्क है, किसी को लर्न करना, किसी के एग्ज़ाम है, तो अब इन्होंने ताबड़तोड़ तैयारी शुरू कर दी। ऐसा ही होता है जब टाइम कम सा रह जाना थोड़ा सा, और दिन जाने वाला है संडे का, सुबह जल्दी जाना है स्कूल, तो अब सबके याद आ गया है काम करना और बीच बीच में खाना भी। चिंकी क्या खा रही? सिवाई। सिवाई खा रही। ये सिवाई का जो है दोपहर के बाद का जो टी टाइम है, वो वाला टाइम सिवाई खाने का है। कोई चाय पिएगा, कोई कुछ, थोड़ी थोड़ी सी भूख लग जाए ना। कौन सा पढ़ रही? यो ऐसे रखो सीधी, पहले तो किताब। कौन सा? अच्छा ये भी अच्छा है, सब अच्छा है। शुरू से ए ए पढ़ो। प्लास्टिक के बोरे, इन्हें रिसाइकिल करके इनकी बना दिया रस्सी, पिताजी बना रहे हैं ये। और ये बनेंगे जेवड़े, पशुओं के बच्चे हैं ना, इन्हें बांधने के लिए। जो बड़ी गाय भैंस है ना, वे तो इनमें रुकती नहीं, उन्हें तो चैन बांधनी पड़े। और ये इनके लिए हैं, क्योंकि ये टूटते रहते हैं ना पुराने होके। एक कल अभी जो हमारी काली है ना, काली, इसने तुड़वा लिया, खींचा था नहीं कर दी उस रस्से के साथ में, तो इसके लिए बनाया जा रहा है ये। लाली वो थोड़े से शांत स्वभाव की है, वो नहीं तोड़ती इतने, तो ये भी रिसाइकिल हो जाएंगे और रस्सी भी बन जाएगी इनके लिए। और ये है हमारे पड़ोसी चाचा, ये स्पेशलिस्ट हैं इस तरह की रस्सी बनाने के, गले में बांधने वाली या फिर इनमें जो खूंटे से बांधने वाली है उनके। तो इन्होंने ये जो है तैयार करी पिताजी ने और इन्होंने मिल के, थोड़ी देर में बना देंगे और बन जाएगी नई रस्सी। और नंदिनी पेंसिल और बुक्स, इसकी कभी आरुषि की और कभी चिंकी की, और आज ये पढ़ के ही मानने की। चाचा, और इसे किताब में भी चाचा ही दिख रहे हैं अभी तो फिलहाल। चाचा नंदिनी की डिक्शनरी में बस एक शब्द की एंट्री हुई और वो है चाचा। आदमी भी सब चाचा, अक्सर भी सारे चाचा, सारी वस्तुएं भी सब चाचा। अभी शाम के 5:30 बजे हैं और आज देखिए पांचवा ऐसा दिन है जब बारिश नहीं हुई है। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो ये छत से है, अभी धूप पूरी आ रही है यहाँ पे। आंगन में तो छांव आ जाती है क्योंकि पीछे पड़ता है ना सूरज शाम के टाइम घर के, तो इसलिए। और आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है गांव में, और ये चलेगा लगभग 1 हफ्ते तक। और लोग कथा सुनने जाते हैं, 3-4 घंटे के लिए होती है राम कथा की प्रस्तुति, और वहाँ पर लोग जाकर बैठते हैं, मन को शांति मिलती है और धर्म लाभ भी उठाते हैं, दोनों ही काम हो जाते हैं, कामों से फुर्सत, सुबह काम निपटा के। और शाम को जो है 2 बजे से 6 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। चाय पे चर्चा होने के बाद मन की बात चल रही है यहाँ पे। चाचा बन गया क्या? ये बन गया, तैयार हो गया। देखो बहुत लंबी रस्सी बना दी, काली के लिए बहुत है यह। और अभी शाम के 7 बजे यहाँ खाना बन रहा है। खाने में आज बन रहे हैं आलू गाजर, गर्मियों की गाजर है, ये देखिए ऑरेंज कलर की आती है गर्मियों में गाजर, और सर्दियों में आती है रेड कलर की गाजर, है ना, क्योंकि सब्जी नहीं मिलती, क्या बनावे, इतनी सब्जी है और फिर भी ये सोचा है कि क्या बनावे आज खाने में। हाँ गया तोरी खाते नहीं, आज भी टोड़े पुसाए 5-6 गया, तोरी भी आई, अभी ये पकेंगे। आपने छोंक तो दी ना, आज लौकी के कोफ्ते बने थे, मैंने सब्जी देखी नहीं, सुबह आपने पकौड़ी सी तारी थी लौकी की, वे देखी थी मैंने कि आए थी बनी नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए दही जमा दी थी, खिचड़ी बना दी थी, हमने दही के साथ खिचड़ी खा ली थी। हेलो जी, 7 बज गए हैं शाम के और अभी डिनर टाइम होने वाला है, तो सबसे पहले नंदिनी का सोच रहे हो जाएगा, लेकिन ये खा नहीं रही। सरल है, कोशिश करी खिलाने की, दूध ये पीती नहीं,
थोड़ा सा नमक वमक का कुछ खा लेती थी, वो भी नहीं खा रही आजकल। आज आलू गाजर की सब्जी बनाई है इसके लिए, और देखेंगे कितनी रोटियाँ खाएगी। लग रहा आज ये रोटी खा लेगी। और ये बप्पा खाने के लिए कह रही खिचड़ी। खिचड़ी दिन में खाई थी माँ इसने? खाई थी, भगोड़ी खाई थी, दही से तो खा ली थी खिचड़ी। अच्छा, दही के साथ। और बची हुई है या बनानी पड़ेगी? नहीं बची नहीं आज वो। तो इसके लिए बनाओ जी, जो भी कुछ ये खाती है, क्योंकि थोड़ा सा तो ये खाती है, वही चीज इसके लिए ना बनाए तो फिर ये क्या खाएगी उसके रिप्लेसमेंट में। खाना तो इसका भी ज़रूरी है। अब जो है 13 महीने की होगी है और चलना भी नहीं सीखी, जबकि 8, 9, 10 महीने के बच्चे चलना सीख जाते हैं। और ये रह गया इसका किलसना नंदिनी। तो जी आजकल जो है शाम के टाइम गर्मी ज़्यादा तो होती नहीं, दिन भर में रहती है गर्मी, सुबह और शाम ठंड होती है। रात में भी कूलर वूलर में पानी नहीं डालना पड़ता और पंखे से ही काम चल जाता है, कूलर तो चलता भी नहीं है। ऐसा ही आंगन में बैठते टाइम होता है। अभी खाना पीना खाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे तो बड़ा शांति भरा सा वातावरण बनेगा यहाँ पे, बातें वातें करेंगे। चीकू भी आया आज देखो, और चीकू के साथ भी कर लेंगे बात। तो चलो जी, इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं आज एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम।